महिला मतदाता है दर्ज है। प्रति मतदान केंद्र में औसत मतदाता जो है वो है 866। द्वितीय चरण में जो विशिष्टता रहेगी वो ये है कि हर विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्रों या पिंक बूथ्स का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी मतदान कर्मी जो है महिलाएं रहेंगी और सुरक्षा कर्मी भी जो है महिलाएं ही रहेंगी। द्वितीय चरण में राज्य में इस तरह के कुल 727 संगवारी मतदान केंद्र बनाए। दिव्यांग रहेंगे और जो है युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन्हीं में से 347 मतदान केंद्रों को जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों में कुल अब तक जो है होम वोटिंग 4,416 ऐसे और दिव्यांग घर पर रहकर ही अपना मतदान मताधिकार का प्रयोग किया। जो निर्वाचन ड्यूटी में तैनात हमारे मतदान कर्मी हैं उन 71,427 ने पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के माध्यम से जो है मतदान भी बनाए गए हैं ऐसे मतदान केंद्रों में जहां 1500 से अधिक मतदाता दर्ज हैं। द्वितीय चरण में जो निर्वाचन संपन्न होंगे उनमें इन 18,000 मतदान केंद्रों में कुल 90,272 मतदान कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इस चरण में 1670 अति संवेदनशील या क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया गया है और हमने कुल 109 संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी चिन्हांकन किया है, जिसको कि केंद्रीय सुरक्षा बल और वेबकास्टिंग अथवा माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति से हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराएंगे। मतदान दिवस 17 नवंबर को मतदान केंद्रों में निर्वाचन के लिए 1962 ऐसे सेक्टर ऑफिसर्स को भी हमने नियुक्त किया है, जिनको कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी के भी अधिकार और शक्तियां दी गई हैं कल के दिन, और वहां की कानून सुव्यवस्था और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था रहेगा। मतदान केंद्रों में सभी मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर असिस्टेंस बूथ, ये जो वोटर्स असिस्टेंस बूथ है ये बीएलओस के द्वारा इन वोटर असिस्टेंस बूथ में मतदाता सूची में मतदाताओं को नाम और सरल क्रमांक खोजने में मददगार रहेगा। चरण में जो ईवीएम्स है उनकी संख्या 131% आवश्यकता के हमने स्टॉकिंग करके रखा है, जिसमें कि 27,743 वीवीपैट और 29,705 बीयू और 23,147 जो है सीयू उपलब्ध है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 ऐसे विधानसभा अधिक होने की वजह से कि हमें आवश्यकता रहेगी तो वहां पर पर्याप्त जो है स्टॉकिंग करके रखा हुआ है। द्वितीय चरण में कुल 18,833 मतदान केंद्रों में से ऐसे प्रथम बार जो है 9,424 मतदान केंद्र होंगे जहां पर सीधा वेबकास्टिंग कल सुबह 8 बजे से शाम तक इन केंद्रों में रहेगा।
इनमें सभी संवेदनशील बूथ भी शामिल है और वल्नरेबल और अति संवेदनशील बूथों को भी सीधा शामिल किया गया है। जो सूचना पर्ची वितरण का कार्य है वो अब समाप्त हो गया है। अतिरिक्त मतदाता सूची पर्ची के आधार पर एब्सेंटी लिस्ट का भी जो है मतदान केंद्रवार हमने बना लिया है और इसका भी हमने हमारे प्रिसाइडिंग अफसर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मतदाता को मतदान केंद्र में मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान करने की सुविधा आयोग के द्वारा दी गई है। इनमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, मनरेगा पत्र, बैंक और डाकघरों के फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ऐप यानी कि VHO ऐप का उपयोग कर अपने मतदान केंद्र के क्रमांक, नाम और मतदाता सूची में अपने सीरियल क्रमांक और का पता आप करवाए और प्रति जागरूक हो और सत्र को अपने कामों कर ये कल की तैयारी कुछ सप्लीमेंट्री जानकारी ये भी देना चाहूंगी कि अब तक के आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य में जो 1400 हमारे FST और फ्लाइंग स्क्वाड्स बने थे उनके माध्यम से अभी तक के 73,95,00,000 रुपए 64,626 मतदान केंद्र राज्य में 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 22,000 मतदान दल जो हमारे थे वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए। अभी की जानकारी के हिसाब से बाकी सक्रिय शीघ्र पहुंच जाएंगे। मतदान दल और प्रातः कार्रवाई मतदान की शुरू हो तक 5,232 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे 3,000 राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 है। टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं, थर्ड जेंडर इसमें 1,292 है 1,292, ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं देश के बाहर हैं वो 99 हैं, सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं जो खास करके हमारी जो आर्मी में नियोजित लोग हैं उनकी संख्या 75,382 है 75,382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज़्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। 1,000 जादापुर विधानसभाओं के लिए महिलाओं की संख्या अधिक थी। रैंडमाइजेशन से एक हद तक हम छूट ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले पाते। तो उत्तर में
रायपुर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूर्ण जितने उनके पोलिंग बूथ्स है वहां पर महिला कर्मियों की ही ड्यूटी लगेगी, और रायपुर वेस्ट में जो है 50% 2280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। सबसे ज्यादा मतदाता हमारे अटेर में हैं, वो 38 मतदाता हैं जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छतरपुर में टोटल 15 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें 13 पुरुष हैं, एक महिला है और एक थर्ड जेंडर है। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वो 17,032 है। 3,332 आचार संहिता उल्लंघन के मामले सी विजिल के माध्यम से हमको मिले हैं। पिछले 48 घंटे में भी काफी सारे मामले मिले हैं, इनमें मामलों में है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम प्रयासों के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे स्टेट में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जो SST होती है स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के माध्यम से निगरानी का काम किया, तो इसमें 847 की टीमें बनाई गई राज्य में और 997 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रहीं जो डिफरेंट नाकाओं पे रहीं, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके रहे हों या राज्य के अंदर के नाके रहे हों, इन पे लगातार इन पे निगरानी और कार्रवाई की गई। यदि पाया जाता है कि सही है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पे जो भी नारे या जो भी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं उसको मिटाते हैं, हटाते हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करनी होती है। तो घोषणा के साथ ही जो कार्रवाई पूरे स्टेट में की गई उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 5,55,636 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी से 4,98,233, तो लगभग 10 लाख इस तरह के जो डिफेसमेंट थे उसको हटाया गया। और इस प्रक्रिया में 1100 MCC के वायलेशन की 1142 FIR दर्ज की गई। आगे बढ़कर बहुत सारी बाइक रैलीज हुई है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हमने कैंपेन्स चलाए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बहुत ही उत्साहजनक रहेगा। जो लोगों का उत्साह है वो मतदान केंद्र तक आकर फिर बैलेट पेपर पे भी दिखेगा। एक हमारा मतदान केंद्र है जहां जो भरतपुर सोनहत विधानसभा में आता है, जिला कोरिया पड़ता है, वहां पर केवल 5 ऐसे मतदाता हैं और 5 मतदाताओं के लिए मात्र हमने वो पोलिंग बूथ बनाया है। और भी राज्य में गरियाबंद जिला है और दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर कि बहुत कम मतदाताओं के लिए, ताकि उन्हें काफी दूर तक जाना न पड़े, उनकी सुविधा के हिसाब से नहीं, वो लोग अभी भी मतदान कर सकते हैं। उनका जो मतदान करेंगे एक घोषणा पत्र लिया जाता है, बेसिकली एब्सेंटी शिफ्टेड लिस्ट जो रहती है ASD, एब्सेंटी शिफ्टेड और डेड लिस्ट, ये 5 दिवस पूर्व मतदान के घर घर